Hello students, welcome back to Juice and Muscles, and today we are here with discussing the module number 2, session number 2 of the chapter Carbon and its Compound. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends and subscribe to our channel ko right away. So a quick recap, हमने पिछले सेशन में पढ़ा था अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग कि कार्बन अपने चार इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड बनाता है. वर्साटाइल नेचर था इसका एंड एलोट्रोप्स में वी स्टडीड थ्री एलोट्रोप्स दैट आर डायमंड और क्या डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन है ना एंड बकमिंस्टर फुलरीन दीज आर द थ्री एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड आई जस्ट एट बी एफ. अब वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन इज ड्यू टू फोर रीजंस. कैटिनेशन दैट इज कार्बन कैन मेक ईजी बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स. दूसरा है टेट्रावेलेंसी द नंबर ऑफ बॉन्ड्स राइट. सो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द वर्साटाइल नेचर एंड लेट अस स्टडी अबाउट टेट्रावेलेंसी. टेट्रा मतलब चार वैलेंसी ऑफ कार्बन दैट इज कार्बन इज केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद फोर अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट ऑल्सो. मतलब कार्बन एक अपने जैसे कार्बन के साथ तो बना सकता है बॉन्ड चार के लिए, बिकॉज एक बॉन्ड बनेगा तो कितने इसमें चार तो टोटल आठ बन गए. इट कैन इवन मेक विद मोनोवेलेंट एलिमेंट्स. मोनो मतलब एक वैलेंसी होती है दैट इज हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है. लाइक देखो एक है, इसके पास तो फोर है टोटल है ना. मतलब हाइड्रोजन कितने लगेंगे आठ बनने के लिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी वन होती है तो मतलब हमको लगेंगे चार हाइड्रोजन और है ना. सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट है ना. तो दिस इज द बॉन्ड ऑफ योर कार्बन विद हाइड्रोजन और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मीथेन. इसको बोलते हैं मीथेन मतलब आई टेल यू हेड. नेक्स्ट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्टेबल होता है बिकॉज कार्बन कार्बन एकदम भाई भाई जैसे वेरी स्टेबल. लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बिकॉज इतनी सारी वराइटी बन सकती है दैट्स वाई वी हैव सो मैनी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एज आई सेड 3 मिलियन. वन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इसका बहुत ही छोटू सा साइज होता है. सो इट कैन मेक ईजी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स. इट अनेबल्स यू न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं और दोनों के प्रोटॉन्स भी है तो इसको हैंडल होता है. इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग करना इज द बेस्ट सोल्यूशन. ठीक है, नाउ लेट अस बिगिन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, दैट आर द सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स. सिंगल बॉन्ड मतलब कि बस एक बॉन्ड बन रहे हैं, ये बस एक पेयर बन रहे हैं ना. मतलब दो एटम्स है, लेटर से ए एटम है तो ए और ए एक बॉन्ड बना रहे. मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स तो कंपलसरी है, एक इसका एक इसका. हम इसको वन सिंगल डैश से डिनोट करते हैं. वन पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लॉन्ग बॉन्ड होती है, वीक होती है, लो रिएक्टिविटी होती है. सिमिलरली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है. डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, दो ऑक्सीजन साथ में बॉन्ड बनाते हैं सो वी राइट इट एज लाइक इक्वल टू का साइन. और नाइट्रोजन की बात करें तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सो वी आर राइटिंग इट एज थ्री पैरेलल लाइंस. ठीक है, दैट इज हाउ यू राइट योर बॉन्ड्स. अब हम बात करते हैं कि वॉट आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, नाउ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स आर दी कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. एज द नेम सेज हाइड्रो एंड कार्बन. हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन. ठीक है, हम इसको हाइड्रोजन है और ये कार्बन है. सो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग हो रही है सो दैट इज नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, सो कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ठीक है, अब क्या होता है, समटाइम्स अगर एक बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन का, लेट्स से लाइक दिस एक बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, हाइड्रोजन की जगह कोई और आ जाए, तो उस टाइम हम इसको बोलते हैं एज हाइड्रोजन डेरिवेटिव. हाइड्रोजन डेरिवेटिव क्योंकि डिराइव्ड फॉर्म होता है,
एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाए बाय सम अदर एलिमेंट, तो हम उसको हाइड्रोजन डेरिवेटिव बोलते हैं. सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, सो दैट आर हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग फोर हाइड्रोजन एटम्स बाय क्लोरीन. हम चार जो हमारे जैसे ये है, करेक्ट, वी आर रिप्लेसिंग ऑल ऑफ दिस विद द क्लोरीन, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा. ठीक है, CCl4. ऑल राइट, नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी है, अनसैचुरेटेड भी है. सैचुरेटेड मतलब जो जो कार्बन के एटम्स हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है. ऑल कार्बन एटम्स हैव सिंगल बॉन्ड, वो सैचुरेटेड हुआ. अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है. कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा. सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं एल्केन्स. एल्केन्स सिंगल बॉन्ड. ठीक है, उसके बाद अनसैचुरेटेड के दो टाइप्स होते हैं, एल्कीन्स. एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, और एल्काइन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन सैचुरेटेड, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड. अब इनको हमको डिटेल में पढ़ना है. सो एज आई सेड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स मेक सैचुरेटेड, और ये रिएक्टिव नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल इथेन, हाउ C2H6 क्या है, आई एक्सप्लेन यू. अब एल्केन्स देखो, एल्केन्स को अनदर नेम जो आपको याद रखना है दैट इज पैराफिन्स. हम एल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं. सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन्स, द ईजिएस्ट एंड सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स. ठीक है, इसमें सब में सिंगल बॉन्ड होता है. अभी सिंगल बॉन्ड मतलब इनका स्ट्रक्चर सिंगल होता है, हर कार्बन एटम का सिंगल सिंगल होगा. ठीक है, अब नाम आते हैं इथेन, मीथेन, प्रोपेन, बुटेन, है ना, हम इसको कैसे ढूंढें. यू सी हियर, सो दिस इज योर लिस्ट, आपको 10 तक ही याद करना है. मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन. ठीक है, तो इनका नाम कैसे बनता है, लाइक योर नेम विल हैव अ मिडल नेम, मतलब आपका पहला नेम या फर्स्ट नेम है ना, फर्स्ट नेम प्लस सर नेम होता है, राइट. Similarly, we have the same form for the alkene family also. Alkene family सबसे first name क्या होता है, number of carbon atoms. Number of carbon atoms. और plus इनका surname होता है an. An इनका surname होता है. अब myth, an. Myth मतलब कितने, one carbon atom. Ith, an. Ith मतलब दो. Propane, prop मतलब तीन. बुट एन मीन्स चार, पेंट पांच, हेक्स छः, लाइक दैट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग. सो दैट इज योर एल्केन फैमिली. अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सिंपल. इफ दे आस्क यू टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, ये सब कुछ नहीं दिया गया, यू हैव टू राइट मीथेन का फॉर्मूला. मीथेन जब लिखेंगे वो लोग, मीथेन मतलब आपको पता है मिथ मतलब एक, सो हमको पता है लेट अस से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज एन, सो एन की वैल्यू 1 है. सो वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज सी एन एच 2n+2. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्केन, एक सीक्रेट की है. ठीक है, मतलब आप एन की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, सी क्या है 1 है, तो सी एज इट इज एच 2n, 2 into 1, 1 plus 2, 4. So CH4 becomes your methane. अभी आ तो समझ आ रहा है, एक C है और चार हाइड्रोजन है, सो CH4 है ना. सिमिलरली लेट्स डू फॉर कोई और का ले लो, यू कैन टेक ऑफ, लेट्स टेक बूटेन ले लो.
बूट एन मतलब चार, सो एन के वैल्यू चार आ गए, तो सी एन एच टू एन प्लस टू, तो सी फोर एच, टू एन मतलब 4 2 8 + 2 10, सो सी एच फोर एच 10 होता है आपका बूटेन। स्ट्रक्चर कैसे होगा, चार कार्बन एटम्स बनाओगे है ना, और 10 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन मतलब सबके साथ एक एक जोड़ दो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9 और 10, सो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है ऑफ बूटेन, ठीक है, दैट्स हाउ यू गोना रिमेम्बर। सिमिलरली सारे सेम स्टेप्स फॉलो होते हैं इवन फॉर योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। एल्कीन्स एल्कीन्स में मीथीन नहीं होता, ओके, विद नथिंग एज एनीथिंग एज मीथीन, बिकॉज सिंगल में डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, और एक कार्बन एटम नहीं बना सकता, वी नीड एटलीस्ट टू, सो इथीन प्रोपीन बूटीन पेंटीन बनता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इनका जो सरनेम है दैट इज ईन, ईन इनका सरनेम है और फर्स्ट सेम रहता है, इथ प्रोप बुट पेंट हेक्स वो सब सेम रहेगा, बस इनका सरनेम चेंज हो जाएगा टू ईन, ठीक है। अब इसका एक दूसरा नेम भी होता है, एल्कीन्स आर ऑल्सो नोन एज ऑल्फिन्स, इनको ऑल्फिन्स बोला जाता है, इनकी भी एक सीक्रेट की है, दैट इज सी एन एच टू एन, सी एन एच टू एन। अभी लेट्स से हम ले लेते हैं बूटीन, बूटीन मतलब चार, सो सी एच फोर एच 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज योर वॉट बूटीन एल्कीन फैमिली का, ठीक है, सीक्रेट की है सी एन एच टू एन, ओके क्लियर। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। लास्ट आता है एल्काइन्स, एल्काइन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनता है इसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन माइनस टू, ठीक है, ऑल राइट। इनका सरनेम क्या होता है, इनका सरनेम होता है येन, एल्काइन, तो आइन जो होता है ना उस वो सरनेम होता है इनका, सो लेट अस से, तो इसमें क्या होगा, वी इन इस दिस वी हैव इथाइन प्रोपाइन है ना, फॉर एग्जाम्पल टेल यू ऑफ इथाइन, मिथाइन मिथीन कुछ नहीं होता, बस मीथेन एक ही होता है, दैट इज इन द फर्स्ट वन एल्केन्स में, उसके अलावा किधर नहीं आएगा मिथ। इथाइन मतलब ई मतलब दो, सो एन की वैल्यू टू है, तो सी टू एच टू एन, 2 2 4, 4 - 2 2, सो सी सी टू एच टू, ये इथाइन होता है, तो यहाँ पे यू विल राइट एस ट्रिपल बॉन्ड एंड एच एच, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है, सो दैट इज योर फैमिली। एक क्विक रिवीजन कर लें, ऑल राइट लेट्स रिवाइज इट क्विकली, आई विल क्विकली रिवाइज इट फॉर यू गाइज। यहाँ पे देखो, ओ गॉड वेयर डिड इट गो, वन सेकेंड, हाँ ये देखो, सो हमने क्या पढ़ा, एल्केन्स का सरनेम होता है एन है ना, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनकी की क्या है सी एन एच टू एन प्लस टू, ठीक है। एल्कीन्स की क्या है, ईन होता है, डबल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है एस ई एन एच टू एन। उसके बाद एल्काइन्स मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, सी एन एच टू एन माइनस टू, इनका फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज योर एंटायर फैमिली ऑफ एल्कीन्स एल्काइन्स एंड एल्काइन्स एल्कीन्स जो भी नहीं बोला, ओके डन क्लियर डन डस्टेड। सो अभी हम बात करते हैं अबाउट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड्स जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, जो उनका फॉर्मूला है दैट रिमेन्स द सेम, बट उनका जो स्ट्रक्चर है हम उसको अलग से बना रहे हैं, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मतलब हमारा हम लोग ने स्ट्रक्चर तो सेम है कार्बन, ये देखो ये सारे जो है ये सब पेंटेन के हैं,
पेंटेन क्या होता है, एक बार क्विकली कर लेते हैं। पेंटेन मतलब पांच, एन मतलब एल्केन फैमिली का है तो पांच, और सिंगल बॉन्ड एन मतलब फॉर्मूला क्या होगा, CH5H8 है ना, H8 होगा ना कि H12 होगा, नहीं C5H12 होगा, सॉरी 12 होगा, हाँ डैट एन होता है ना, सो दिस इज योर फॉर्मूला। अब इन सब में काउंट करो, पहले वाले में 1 2 3 4 5 पांच हाइड्रोजन कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है और पांच पांच कार्बन है, सब में है बट इनके अलग नाम है। वाई? बिकॉज इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। दिस इज योर एन पेंटेन, जिसको पेंटेन भी बोलो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नियो पेंटेन, इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन, है ना। सो दिस इज योर फॉर्मूला। अभी हमारे पास एक ट्रिक होती है, अगर आपको ढूंढना है कि कितने आइसोमर्स हैं तो यू कैन यूज द फॉर्मूला 2n-4+1, 2 raised to n-4+1। एन क्या है, कार्बन एटम्स, लाइक पेंटेन के पांच कार्बन एटम्स होते हैं, राइट। सो 5-4 1, सो 2+1, सो 3 isomers है ना। सिमिलर लाइक से हेक्सेन ले लो, हेक्सेन के कितने होंगे, 2 6-4+1, सो 2 raised to 2+1, 4+1, तो हेक्सेन के कितने होंगे, 5 isomers होंगे। दैट वे यू कैन डू इट, ठीक है। नाउ आइसोमेरिज्म इन साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड मतलब जिनका स्ट्रक्चर एक साइकिल की तरह होता है। अब इसको ढूंढो, इसको ढूंढते हैं। सबसे पहले इसका नाम और फॉर्मूला हम निकालेंगे। वी नो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इजी मेथड, हमको क्या पता है कि ये है सब में सिंगल बॉन्ड है तो मतलब ऑब्वियसली एन होगा, ऑल राइट। कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन होगा। अब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हम डाल देंगे साइक्लो, तो साइक्लो हेक्सेन इज द नेम, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो हेक्सेन। साइक्लो मतलब ये दिखाता है सिंगल बॉन्ड है, हेक्स मतलब 6, एन मतलब एल्केन फैमिली का ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12, ठीक है। C6H12 हो गए, कैसे फाउंड आउट करोगे, साइक्लिक के लिए यू हैव द फॉर्मूला CnH2n, CnH2n इज फॉर योर साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एल्केन्स, सो C6H12 बिकम्स योर साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। अब दूसरा देखो, इसको ढूंढने की कोशिश करो। अब देखो कार्बन के दो दो है, अच्छा दो है, ऑल राइट। अरे बाप रे, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, ओके कार्बन के दो है, ठीक है, एवरीवेयर यू कैन सी टू आर फॉर्म्ड, ठीक है, दो फॉर्म हुए, सो दैट मीन्स ऑब्वियसली ईन होगा, एल्कीन फैमिली का ही है। अब कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो हम डाल देंगे हेक्स डाल देंगे इसमें, है ना, हेक्स ईन, है ना, और ये साइक्लोहेक्सीन लिख देंगे, है ना। नाउ व्हाट द थिंग इज, दिस इज योर, दिस इज एक्चुअली नॉट दैट, इसको हम बोलते हैं बेंजीन, ये बेंजीन होता है, बिकॉज हम साइक्लोहेक्सीन नहीं लिखते हैं, बिकॉज ईन जो है वो ऐसा लिखेंगे फॉर एल्केन्स ओनली। अब एल्कीन फैमिली के लिए हम बेंजीन डाल देंगे, सो दिस इज योर अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बेंजीन, और ये वाला क्या था, ये था साइक्लोहेक्सेन, ये हेक्सीन नहीं होगा, ये बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला होता है C6H6, फॉर्मूला CnHn, ठीक है, फॉर एल्कीन फैमिलीज, ठीक है, एल्कीन फैमिली का, ऑल राइट, क्लियर। एंड विद दिस वी कम टूवर्ड्स द एंड ऑफ अ सेशन, सो दैट वॉज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करो चैनल को राइट अवे। इन अ नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी सीइंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।